इसके साथ रूपा जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो यूएस सोयाबीन को कल को हमने 1550 के लेवल तक ट्रेड करते देखा था, लेकिन आज देख रहे हैं कि $50 की तेजी आ चुकी है और फिर से वही यूएस सोयाबीन वायदा $1600 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि एक ही दिन में $50 की गिरावट और उसके अगले ही दिन एक ही दिन के अंदर अंदर इंट्राडे के अंदर ही $50 की तेजी भी देखने को मिल गई। रूपा जी आपको क्या लगता है, जो सोयाबीन फिर से अपने सपोर्ट लेवल पर आया है विदेशी बाजार में, तो क्या इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता नजर आएगा आगे तेजी की ओर? देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा, अगर विदेशी बाजार लुढ़कते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में भी वो करेक्शन जो है वो आती हुई दिखाई दे सकती है और यहाँ पर भी बाजारों में एक प्रेशर बन सकता है। वहीं देखिए सरकार भी काफी जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर ना चले, जैसे कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने जो खुदरा दुकानदार है यानी कि जो रिटेलर्स हैं उनके लिए 30 क्विंटल से ज्यादा तेल का स्टॉक रखने पर जो है अपनी लिमिट लगा दी, अगर कोई इससे ज्यादा का स्टॉक रखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि आप कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ताकि स्टॉक जिसको ज्यादा स्टॉक ना करे और बाजार में लिक्विडिटी रहे, डिमांड के अनुसार सप्लाई निकलती रहे, इस वजह से मतलब मुझे लगता है कि कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कीमतें ताकि बहुत ज्यादा ना बढ़ पाए। और दूसरा विदेशी बाजारों में भी अगर दबाव आ रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट भी उसका वहां से एक ट्रेंड लेते हुए यहाँ पर भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जिस तरीके से सरकार की तरफ से स्टेप उठाए जा रहे हैं तो वहां से दिखाई दे रहा है कि कीमतों को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन भी होता हुआ नजर आ सकता है। जी फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।